तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम आ गए फिर एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम काफी सारे आर्टिकल्स आपको प्रिंट करके दिखाएंगे, तो वही एक आर्टिकल हमने आर्टिकल लाया है जो कि है टोर बैग। तो आप जानते होंगे, तो काफी लोगों की ये इंक्वायरीज थी कि इस पर सिर्फ मल्टी कलर प्रिंट ही होता है या नॉर्मल विनाइल्स भी होते हैं। आप इस पर सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल से भी प्रिंट कर सकते हो। और रही बात नॉर्मल विनाइल्स की, तो आज हम आपको दिखाएंगे नॉर्मल विनाइल इस पर प्रिंट होता है या नहीं। नॉर्मल विनाइल में हम प्रीमियम मटेरियल जो है हमारा वो ग्लो मतलब रेनबो ब्लैक रेनबो आज हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लैक रेनबो है। ब्लैक रेनबो आपको सिंपली सब कटिंग वगैरह कर लेना है, कर लेंगे सिंपली अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो ये हमने कट कर लिया और इसको हम सिंपली अभी प्लॉटर पे फिक्स कर लेंगे, लोड कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है इसके पहले हमने काफी विनाइल किया, तो आपको अंदाजा मिलना चाहिए। सिंपली हमें लोड कर देना है। इस साथ ही में हम मशीन गर्म करने रख देंगे। ये 15x15 मशीन जिसका हम टेम्परेचर रखे 180 टेम्परेचर और जो टाइमिंग रखा हुआ 10 सेकंड्स का रखा है, जिसके हिसाब से हमारा मशीन में गर्म हो रहा है। सिंपली मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट किया हुआ, इसको ट्रेस और जो फिगर इमेज ऑलरेडी देख रखा है, तो हम सिंपली इसको सेंटर कमांड छोड़ देंगे। तो सेंटर कमांड आप देख सकते हो कि 416 का रखा है, स्पीड 3 और पासेज जो है 1 और ब्लेड अप जो है 4-5 का रखा है हमने। सिंपली हम इसको सेंटर कमांड छोड़ देंगे। सेंटर कमांड छोड़ते हमारा कटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हो यह हमारा कैमियो 4 मशीन है। इसी के साथ साथ अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे मशीन्स हो, सब्लिमेशन आइटम्स हो या फिर कुछ भी डीटीएफ वगैरह हो, आप प्लीज़ नीचे दिएगा किसी भी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे कि हमारा कटिंग विनाइल जो है कटिंग हो रहा शुरू हो चुका है। क्या आप देख सकते हो कि हमारा कटिंग विनाइल कटिंग हो चुका है। इसको हम सिंपली अनलोड कर लेंगे और जो हमारा डिज़ाइन है वो कट करके पिल आउट कर लेंगे। तो सिंपली मैं अपने डिज़ाइन को कट करके पिल आउट कर लूँगा। तो ये सिंपली छोटे डिज़ाइन में एकदम बेहतरीन तरीके से कट हो चुके हैं और ये मैं पिल कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा सिंपली सारा डिजाइन पील हो गया और देखा हमने कितना बारीकी से छोटे डिजाइन भी लिए थे, इसमें वो भी एकदम इजीली कट हो चुके हैं। और क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से जो फिनिशिंग में कट हुआ है और जरा से भी कोई दिक्कत दिया नहीं कटिंग में। इसको सिंपली हम टोट बैग्स को पहले फिक्स कर लेंगे 15x15 मशीन में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एकदम अच्छे तरीके से जो है पहले आप फिक्स कर लीजिए जहाँ पे भी आपको प्रिंट करना है। सिंपली मैंने इस तरीके से इसको रख लिया। तो ये हम डिज़ाइन इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। तो पहले आपको ठीक से रख लेना है। इस तरीके से मैंने इसको और जो डिज़ाइन आपको सेंटर में बराबर प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको टेफ्लॉन शीट रख देना है। टेफ्लॉन शीट आपको पता होगा किस चीज़ के लिए रखते हैं। ये सिंपली टेफ्लॉन शीट रख के मैंने इस पर फ्यूजिंग दे दिया। तो हमारा जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे हमने प्रेस किया टाइमर अपना शुरू हो चुका है। तो देख सकते हो करके दिखाता हूँ। अभी सिंपली हमने पील कर लिया इसको और आप हमारा डिज़ाइन देख सकते हो कि टोट बैग्स कितने अच्छी तरीके से प्रिंट हो चुका है, जो कि हमारा ब्लैक रिफ्लेक्ट है। इस पर जब लाइट वगैरह पड़ेगी तो अपने आप ये चमकेगा रेनबो में, ब्लैक रेनबो। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से कट हुआ है, स्टिक हुआ है टोट बैग्स को भी। इसी तरह का हम न्यू आर्टिकल्स लाते जाएंगे। तो जैसे कि आपको जानते हैं, इसका हमने पहले भी बताया था काफी सारे आर्टिकल्स बनाएंगे। तो ये था उसमें एक आर्टिकल टोट बैग्स। और इसके अगला वीडियो हम किस आर्टिकल्स पर बनाएं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए।